मूलवासी मंचर विरोध। आम राउरकेला पक्षर आलोचना सभा और संवर्धना कार्यक्रम। आंचलिक परिवहन विभाग पक्षर जानवाहन जांच जोरदार। उदित नगर यूथ एसोसिएशन आनुकूल्य प्रथम अनिल सागर स्मारकी दिवारात्र क्रिकेट टूर्णामेंट आयोजित। राउरकेला सहर दिगंबर जैन समाज पक्षर महावीर जयंती उपलक्षे कार्यक्रम। जिंगल बेल स्कूल पक्षर उत्कल दिवस पालित। सरकारी चाकरी करदेक ठकी दुईज गिरफ। अबकारी विभाग पक्षर बोणाई अंचल चढ़ाव कर अफिम गछ नष्ट। गत किछि मास धरि राउरकेला महानगर निगम पक्षर राउरकेला सहर और आखपाखे विस्थापित मानक जमी को चंचकता करा जाई विभिन्न सर्भे और अन्यान्य कार्य जारी रही आदिवासी मूलवासी मंच पक्षर अभियोग करा जाई। मंचर आवाहक लेथा त्रिकी नेतृत्व में एक क्रम अनेक आदिवासी और मूलवासी माने महानगर निगम आयुक्त को भेटी एक स्मारक पत्र देवाई आसते। आयुक्त अनुपस्थित आदिवासी माने उपायुक्त को स्मारक पत्र विशेषकर विस्थापित मानक जमी संपर्कित मामला न्यायालय विचाराधीन थिला बेले नगर निगम पक्षर यह सब जमी संपर्क करा जाउथबा उषा सर्भे और अन्यान्य कार्य को मंच पक्षर बेआईन एवं अणसांविधानिक बोली कुहा जाइछि। एहा को नै मंच पक्षर आसंता दिन में आंदोलन हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। तो ये मेमोरेंडम में यही बात लिखा हुआ है, पूरा पूरी संवैधानिक बात है इसमें कि आप देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे सुंदरगढ़ जिला जो आदिवासी अध्यूषित जिला है और इस फिफ्थ शेड्यूल के अंडर में हमारे पास में जो आयन कानून है, जैसा 243 ZC का हिसाब में यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, 243Q का 2 में लिखा हुआ है कि जिस एरिया में आदिवासी लोग अगर एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर उसका जीवन जपन कर रहे हैं उस एरिया में भी म्यूनिसिपैलिटी हो नहीं सकता, जिसको हम लोग ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। ये दोनों बात को अगर हम लेंगे तो इन्होंने जो गजट नोटिफिकेशन जो दिया है वो गजट नोटिफिकेशन अपना जगह में ठीक है। हम बिल्कुल मानते हैं कि ओडिशा सरकार जो गजट बनाया है उसमें कोई गलती नहीं है। गलती हमारे लिए यही दिख रहा है कि ये आदिवासी जिला है और आदिवासी जिला में ये जो गजट नोटिफिकेशन जो म्यूनिसिपैलिटी का जो कानून लिखा हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए। कहे उसमें 243 ZC संविधान में पूरा पूरी मना करके रखा है। तो इस बात को देखते हुए आप बताइए कि जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी हो नहीं सकता है तो ये स्लम एरिया कहाँ से आ गया, और ये जो स्लम एरिया जो है ये स्लम एरिया गैर आदिवासी क्षेत्र में हो सकता है लेकिन आदिवासी क्षेत्र में स्लम एरिया बिल्कुल हो नहीं सकता, ठीक है ना। मैं लेथा तिरकी सुंदर जिला आदिवासी मूलवासी बच्चा मंच का कन्वीनर। देखिए, राउरकेला का चारों तरफ जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ आज ये लोग उषा सर्वे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग का आदमी को अंधेरे में रख जो संविधान के खिलाफ है 243 ZC वर्जित किया हुआ है। संविधान का धारा 243 ZC आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी को जमीन को टेक देना या तो उसका नाम में पट्टा देना एकदम पूरा वर्जित किया है। अनंत उदय चैरिटेबल ट्रस्ट पक्षर आम राउरकेला माध्यम एक आलोचना चक्र और संवर्धना सभार आयोजन हो जाएगी। ट्रस्टर मुख्य ट्रस्टी तथा युव समाजसेवी राजलक्ष्मी पात्र अध्यक्षतार सहर सिविक सेंटर ठारे होता एक कार्यक्रम पानपोस उपजिलापाल अभिमन्यु माझी राउरकेला बणिक संघर सभापति सुब्रत पट्टनायक प्रमुख अतिथि भाव जोगदे। यह अवसर में नारी सशक्तिकरण और सामाजिक प्रतिबद्धता शीर्षक आलोचना चक्र होता। यह सहित सहर विभिन्न क्षेत्र में उत्कर्षता हासिल कर खिलाड़ी क्रीड़ा व्यक्तित्व समाजसेवी समेत अन्य किसी वर्गर मोट 20 जन को संबर्धित करा। सूचना मुताबक कार्यक्रम विलंब जो किसी संबर्धित होगा व्यक्ति संवर्धना पाइबा पूर्व कार्यक्रम स्थल छाड़ चली जाते। अनंत उदय चैरिटेबल ट्रस्ट सदस्य माने समस्त कार्य को परिचालना करथिले। सिटी
स्कूल एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली नाउ एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप नर्सरी LKG UKG एंड स्टैंडर्ड 1 ऑनवर्ड सिटी इंग्लिश स्कूल हैव क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एंड केयरिंग टीचर्स फुल्ली इक्विप्ड ऑडियो विजुअल लैब्स वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स regular co-curricular and extracurricular activities, outdoor visits and social activities, spacious and airy classrooms. Contact for admission and details, City English School near Rourkela Railway Station, Rourkela. Contact number 933-7400-865 and City English School, Gandhinagar Sector E, Banda Munda. City English School, AM 12 and 13, Basanti Colony, Rourkela. Contact number 933-7400-865 and 98612-56400. विभाग पक्षर सोमवार दिन राउरकेला सहर विभिन्न स्थान में जानवाहन जांच जोरदार करसर कम नाबालकों समेत विभिन्न प्रकार जानवाहन चलाचल नियम उल्लंघनकारी धरी जोरीमाना लग जा राउरकेला आंचलिक परिवहन कार्यालय पक्षर सहर आंबागाम छक सेक्टर 717 छक ट्राफिक छक आदि छक जांच होता स्कूल जाऊबा नाबालक और छात्र छात्री को विशेष भाव जांच करा जाए दुईज नाबालकों 25,500 टंका लेखाएं जोरीमाना लागू करा राउरकेला आंचलिक परिवहन कार्यालय अधिकारी और कर्मचारी मानंक समेत पुलिस अधिकारी और कर्मचारी माने एही मोटर जान जांच बेले 70 रु अधिक मोटर जान उल्लंघन मामला दायर होई सूचना मुताबक आसंता दिन में यह भले जांच जारी रहिब राज्य परिवहन विभाग रो निर्देश मुताबक अप्रैल 1 रु अप्रैल 7 पर्यंत जानवाहन जांच प्रक्रिया कड़ाकड़ी करा जिबा क्रम रे ए जांच चली छि उदित नगर यूथ एसोसिएशन आनुकूल्य रे प्रथम अनिल सागर स्मारकी दिवारात्र टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो जाएगी उदित नगर फिटनेस पार्क व दुर्गा पूजा पड़िया ठारे फाइनल मैच सहित खेल उद्यापनी हो जाएगी अतिथि भाव ओडिशा प्रांतीय मारवाड़ी युव मंचर राज्य अध्यक्ष नरेश अग्रवाल श्री महावीर फेरो एलओएच अधिकारी ईश्वर पटनायक श्री महावीर फेरो एलओएच महाप्रबंधक डी भिके रेड्डी ओ एजीएम रघु विश्वनाथ प्रमुख जोगदेले सहित विजु जुब जनता दल राज्य जुब संपादक प्रकाश पासवान समाजसेवी मीनती देवता प्रमुख जोगदान करी खेलाड़ी को उत्साहित करते फाइनल मैच मारुति बनाम लिटिल स्टार मध्य खेल जाता मारुति दल प्रथम फिल्डिंग करते लिटिल स्टार दल प्रथम ब्याटिंग 10 ओभर्रे 80 रन करते जवाब मारुति 10 ओभर्रे 68 रन करते लिटिल स्टार चंपिन हो 11,000 टंका नगद अर्थ पुरस्कार राशि सह ट्रॉफी हासिल करता से उपविजेता दल को नगद 7,000 टंकार पुरस्कार राशि सह ट्रॉफी प्रदान करा खेल गौरव महाकुल एवं कालिया अंपायर दायित्व को तुलाई खेल सत्यजित नायक कमेंट्री दायित्व को तुलाई लिटुन स्कोर दायित्व को तुलाई ऑनलाइन स्कोर रे गोविंद एवं शुभेंदु प्रमुख भूमिका ग्रहण करते
आयोजक अनुष्ठान अमित अनूप सुमित प्रियव्रत सुनील विकास आशीष दीपक और पिकुन प्रमुख सहयोग करते गजानन वैरायटी स्टोर, ए हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल एंड साड़ीज, जेंट्स लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टें, किलर, लोमेन, इंटेग्रिटी, ड्यू, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर। जैन धर्मावलम्बी मानक द्वारा पवित्र महावीर जयंती पालन उपलक्षे राउरकेला सहर रे दिगंबर जैन समाज पक्षरु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होई जायछि। प्रथमे अमर भवन सम्मुखरु सोमवार दिन एक शोभायात्रा बाहरिथिला। एहि शोभायात्रा रे दिगंबर जैन समाज सहित श्वेतांबर जैन समाज रो शह शह संख्या रे महिला पुरुष युवक माने भाग नहीं। शोभायात्रा अमर भवन सम्मुखरु बाहरी सहर मुख्य रास्ता दे बिरसा डाहाण रास्तार जैन मंदिर रे पहुंची थिला। शोभायात्रा रे महिला माने पारंपरिक हलदिया वस्त्र और पुरुष माने पारंपरिक धला रंगर पोशाक परिधान करथिले। शोभायात्रा रे जियो और जिनेदो स्लोगान सहित महावीर स्वामीजी की जय हो, प्लास्टिक मुक्त राउरकेला, सहर स्वच्छ, भारत स्वच्छ सहित स्वच्छ राउरकेला स्लोगान आदि दिया जायथिला। एथिरे दिगंबर जैन समाज रो अध्यक्ष पवन कुमार जैन, संपादक सुरेंद्र जैन, श्वेतांबर जैन समाज रो अध्यक्ष छगनलाल जैन, संपादक दिनेश गिरियांक समेत उभय दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज रो अनेक सदस्य और सदस्या प्रमुख उपस्थित थिले। जैन धर्मर अन्यतम प्रतिष्ठाता और प्रचारक महावीर जयंती उपलक्षे यह अवसर में महावीर आराधना करा जायथिला। मेरा नाम है वंदना जैन, मैं जैन दिगंबर जैन समाज महिला समिति की अध्यक्षा हूँ और आज महावीर जयंती का अवसर है। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर जैन समाज का सामूहिक रूप से जुलूस निकाला गया है जो कि अमर भवन से उठा है और शोभा यात्रा जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां थी, सबने अपने जैन जितने भी है सबने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तरह तरह से स्वागत किया और बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सबने बहुत ही अच्छे से उसके महावीर भगवान के जन्म दिवस की घोषणा की। आज सबसे ज़्यादा इस पर्व की खुशी की बात ये रहती है कि इसमें पूरा जैन समाज एक साथ हो जाता है। इसमें दिगंबर, श्वेतांबर, तेरा पंथ अलग अलग मत नहीं चलते हैं, पूरा जैन समाज एकजुट होकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। महावीर जयंती की बजाय हम इसको महावीर का जन्म कल्याणक का उत्सव बोलते हैं और आज के दिन सब जगह में सुबह से लेकर रात तक महावीर स्वामी की पूजा, अभिषेक, साथ में भोजन, रात में आरती, पालना झुलाना, सभी कार्यक्रम हम सामूहिक रूप से एक साथ करते हैं। मेरा नाम है वंदना जैन, मैं जैन दिगंबर जैन समाज महिला समिति की अध्यक्षा हूँ और आज महावीर जयंती का अवसर है। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर जैन समाज का सामूहिक रूप से जुलूस निकाला गया है जो कि अमर भवन से उठा है और शोभा यात्रा जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां थी, सबने अपने जैन जितने भी है सबने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर तरह तरह से स्वागत किया और बच्चों ने, महिलाओं ने,
पुरुषों ने सबने बहुत ही अच्छे से उसके महावीर भगवान के जन्म दिवस की घोषणा की और अब ये जैन मंदिर तक आया है जुलूस और अब यहाँ से ये जुलूस तेरापंथी समाज बस का भवन है जो बसंती कॉलोनी में वहाँ जाएगा। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके बाद भोजन का भी व्यवस्था है और अल्पाहार की व्यवस्था अमर भवन में की गई थी और शाम को पालना झुलाया जाएगा। हाँ, विमल कुमार जैन। हाँ, ये महावीर जयंती के दिन में हम लोग दोनों समाज मिलकर के बहुत ही बढ़िया से उमंग से जुलूस निकाले हैं। पीछे 2-3 साल कोरोना में हम लोग उतना उत्सव नहीं मना पा रहे थे तो अभी दोनों समाज मिलकर बहुत अमर भवन से चालू होकर मंदिर तक आया है। अभी हम लोग जुलूस को हम लोग जब से मंदिर बना हुआ है तब से निकल रहा है मंदिर से, तो कार्यक्रम अभी खाली जुलूस निकला है, भगवान का अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई और पूजा पाठ किए, उसके बाद जुलूस चालू हुआ अमर भवन से और यहाँ जैन मंदिर के पास ख़त्म हो गया। अब जो है आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ बसंती कॉलोनी में जैन भवन में है, वहाँ हम लोग सब पहुँच रहे हैं। वहाँ से पवन कुमार जैन, मैं दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ और मैं अभी महावीर जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोग ने सब मिल करके बहुत बढ़िया महावीर जयंती मनाई और हम लोग अमर भवन से लेकर के जैन दिगंबर मंदिर तक पहुँचे हैं और काफ़ी हर्षोल्लास। राउरकेला सहरर छेन कॉलोनी निकटस्थ किसान तोलारे थिबा जिंगल बेल प्ले स्कूल पक्षरु उत्कल दिवस पालित होई जाइछि। स्कूलर अध्यक्षा शेफाली पंडांको नेतृत्व रे होइथिबा एहि कार्यक्रम रे उत्कल दिवस पालन संपर्क रे वार्ता देथिले। एहि अवसर रे छात्र छात्री मानंक द्वारा नाच गीत सहित पौतिकीय पोषाक आदि प्रतियोगिता करा जाइथिला। एहि अवसर रे स्कूल परिचालना समितिर संपादक शरद चंद्र पंडा, वरिष्ठ चित्रशिल्पी देवेंद्र महाराणा और समाजसेवी तथा नाट्यशिल्पी प्रबीर जेना और कमलोचन गुरु प्रमुख अतिथि भाव जोगद। मैं काढ़ा के बारे में बता रही हूँ कि आज की जो महामारी का जो समय चला है, लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं या क्या पिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे लोगों का देखते हैं, चाहे रामदेव बाबा का भी देखते हैं। हम लोग देखिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब बनाते हैं, तो मेरा अनुभव है कि जो घर में हम उपयोग करते हैं, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ा के लिए, अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा के लिए, और अभी जो भी पी रहे हैं, कोई बोलता है मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, कोई बोल रहा है मेरा खांसी ठीक हो गया, बोले मेरे को छाती में दर्द था मुझे उससे आराम हुआ, मुझे सुन के मतलब बहुत ही राहत मिलता है कि सही में मतलब बड़ा मुश्किल से एक संजीवनी की तरह काम करेगा। तो मैं तो सोचती हूँ कि इसको सबको पीना चाहिए और पी के इसका लाभ बताएं। सोना दिलों को करीब लाता है, सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है, सोना ही नए रिश्तों को समेटता है, सोना ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है, सोना रिश्तों को जोड़ता है, सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर्स ऑफ जनरेशन, जय हिंद ज्वेलर्स राउरकेला। सरकारी विभिन्न ऑफिस रे चाकरी देवा को कही प्राय 200 आशाई को ठारु लक्षाधिक टंका ठकी नेथिबा दुई अभियुक्तों को गिरफ करी भुवनेश्वर ईओडब्ल्यू बा अर्थनैतिक अपराध शाखा पुलिस। ए दुई जना हेउचंती बालेश्वर कमरदा थाना अंतर्गत गुजुडीहा ग्रामर राजकिशोर पटनायक और भुवनेश्वर बमिखाल अंचल बिरजा कम्प्लेक्स अरुण महांती। एने आज ईओडब्ल्यू पक्षर सूचना दिया जाइछि। राजभवन समेत विभिन्न सरकारी कार्यालय रे पियन किराणी आग्निक सुरक्षाकर्मी चाकरी देवाक युवक युवती मानक भरसा दे सेने टंका ठकी नेउथिले। अभियोग को भित्ति करी मामला रुजु करी तदंत करबा बेले एही दुई जनक संप्रुक्ति धरा पड़ीथिला। सेमानक गिरफ परे भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट रे हाजर करा जाइछि।
ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ନକଲି ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ଲୋକସେବା ଭବନର ଜଏନିଂ ଲେଟର ଓ ସିଲ୍ ଜବତ ରହିଛି। ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁମୁଦିନୀ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନକଲି ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଧରାଇ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରାୟ 8.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ମାସିକ 34,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କୁମୁଦିନୀଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ କିରାଣୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ରାଜକିଶୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଚାକିରି ପାଇବା ଲୋଭରେ କୁମୁଦିନୀ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ରାଜକିଶୋର ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ କୁମୁଦିନୀ। ଅରୁଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କୁମୁଦିନୀକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଭରସା କରି କୁମୁଦିନୀ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି ପାଇନଥିଲେ। ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୋମବାର ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି କିଛି ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଉପଖଣ୍ଡରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର ମହୁଲପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁନୁକୁଣ୍ଡାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରିପକ୍ୱ ଅଫିମ ଗଛକୁ ବେପାରୀ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ। ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଅଫିମର ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ଉପଖଣ୍ଡର ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜକିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆସିଫ ଅଲ୍ଲୀ, ବଣାଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ସ୍ୱରାଜ ଦେବତା, ମହୁଲପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେହୁରୀ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନାଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତି, ବଣାଇ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ନେହଲତା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି, ତେଜରାଜ ଗହିରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।